ईद से पहले बड़ी परेशानी बन गई। आपने व्लॉग मुकम्मल देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में कोई गम ना है और अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए और अल्लाह पाक आपकी दुख परेशानियाँ दूर फरमाए। मज़े नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे भी 27वां रोज़ा है और मेरे घर वालों को भी रोज़े हैं। तो मज़े नाज़रीन, ऊपर से ईद बिल्कुल सर पर आ गई है, शायद 29 रोज़े हो जाएं, तो एक बड़ी परेशानी बन गई है। आपने व्लॉग को मुकम्मल देखना है। तो मज़े नाज़रीन, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश होती है कि मैं बहुत ही गरीब और कमज़ोर आदमी हूँ, तो मेरे मौज़े नाज़रीन ये मेरी हालत चेक करें कि मैं कितना कमज़ोर हूँ और किस तरह चलता हूँ। तो बराए मेहरबानी मेरे हर व्लॉग को मुकम्मल देखा करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाएंगे। बहुत ही गरीब और कमज़ोर है, हर व्लॉग को मुकम्मल देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये जी मेरी सहरी आ गई है, रोटी दही और लस्सी। ये देखें मौज़े नाज़रीन, ये देखें मेरी दुकान खाली पड़ी है और ईद ऊपर बिल्कुल सर पर आ गई है, तो इसमें सामान नहीं है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई है। ये मेरी रोज़ी का ज़रिया है और ये खाली पड़ी है। ये जी खजूरें आ गई हैं माशाल्लाह, और ये अब लस्सी बना रही हैं मेरी अम्मी, और ये कुछ फ्रूट वगैरह हैं, तो ये बर्फ़ डाल दी है अम्मी ने और अब जामे शीरी पे शामिल कर रहे हैं। मैं अब रोज़ा खोलने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़।